भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नूरपुर की पंचायत सुलियाली में पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा 27 अप्रैल को कोरोना शिविर लगवाया गया था, जिसमें 142 लोगों ने टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट 24 या 72 घंटों में आ जानी चाहिए थी, मगर इसकी रिपोर्ट 4 दिनों बाद मिली, जिसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति बेखौफ होकर एक दूसरे से मिलते रहे और घूमते रहे, जिसके चलते गांव में खतरा बढ़ जाने की संभावना जताई जा रही है। कोरोना रिपोर्ट देरी से मिलने पर कोरोना पॉजिटिव पर गांववासियों ने एतराज जताया है और इसकी जांच करने की मांग उठाई है और गांव में दोबारा कोरोना टेस्ट करने की मांग की है। पंचायत उप प्रधान नरेश शर्मा ने कहा है कि हमारी पंचायत में एक महिला कोरोना पॉजिटिव आई थी, जबकि उसने पठानकोट में टेस्ट करवाया था। इसी को मद्देनजर रखते पंचायत प्रतिनिधियों ने मिलकर सुलियाली में 27 अप्रैल को कोरोना टेस्टिंग शिविर लगवाया, जिसकी रिपोर्ट 24 या 72 घंटों में आनी चाहिए थी, मगर इसकी रिपोर्ट 4 दिनों बाद मिली है। हमारे और हमारे गांव के लिए ये एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि रिपोर्ट समय पर न मिलने पर टेस्ट करवाए, सभी लोगों ने मान लिया था कि वह ठीक हैं और वह सबसे मिलते रहे। हमारी जिलाधीश कांगड़ा से आग्रह है कि क्या कोरोना प्रोटोकॉल के तहत रिपोर्ट इतनी देरी से आनी चाहिए थी? अगर देरी से आई है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों रिपोर्ट लेट आई है, और साथ में हमारी गुजारिश है कि एक बार दोबारा सुरियाली पंचायत में कोरोना टेस्ट करवाए जाए, ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। अप्रैल को हमने निवेदन किया बीएमओ मैम गंगत से कि यहाँ एक महिला जो कि पॉजिटिव आई थी, जिसका टेस्ट पठानकोट में हुआ था। हमें जानकारी मिली, एक बड़ा परिवार था, सामूहिक परिवार था, 25-30-40 सदस्य थे वहाँ, तो हमने चाहा कि उनका टेस्ट भी हो जाए और साथ ही साथ में अपने दुकानदार भाइयों का टेस्ट भी हो जाए, ताकि ये कोरोना की महामारी यहाँ ना फैले। उस प्रयास और प्रार्थना को स्वीकार करते हुए बीएमओ मैडम ने तुरंत उसमें संज्ञान लिया और दूसरे दिन ही यहाँ एक डॉक्टर की टीम भेजी और उन्होंने लगभग 142 लोगों का टेस्ट किया, कोरोना टेस्ट किया, और इंतज़ार करते करते पिछले कल यानी 1 मई को देर रात ये सूचना मिली कि आपके गांव में लगभग 14 लोग जो है वो संक्रमित हुए हैं कोरोना से। तो आज टेस्ट भी हुए, वैक्सीन भी यहाँ लगवाई गई बीएमओ मैडम के द्वारा उनसे प्रार्थना करने के उपरांत, लेकिन आज दुख इस बात का है कि 5वें दिन रिपोर्ट आई, लोग ये समझ चुके थे जिन्होंने टेस्ट करवाया था कि हर तीसरे दिन रिपोर्ट आ जाती है लगभग, तो हम में से कोई भी पॉजिटिव नहीं है, ये सोच के लोग खुले में घूम रहे थे। आज चिंता का विषय कि कल को ये संक्रमण फैले ना। मैं उपायुक्त महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि क्या ये गाइडलाइन में है कि 5 दिन बाद ये इसका परिणाम आता है टेस्ट का, इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि आने वाला कल हमारे हिमाचल को महामारी के इस भयंकर जो त्रासदी हो रही है उसमें सबसे ऊपर नाम ना आ जाए, और मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव फिर इस महामारी से बचा रहे। इसके लिए आने वाले समय में जो लोग प्राइमरी उसमें संपर्क में आए होंगे उनके साथ उनका टेस्ट करवाया जाए, ताकि हम प्रयास करेंगे पूरे तौर पे कि जो लोग संक्रमित हुए हैं घर पे आइसोलेट हो जाएं, हम जाके इनकी सुविधा के लिए इनको सामान इनके लिए सैनिटाइजेशन करने का भी हमने एक प्लान तैयार कर लिया है, पूरा प्रयास करेंगे। प्रधान जी से मेरी बात हुई है और हम लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन एक फिर प्रार्थना है कि ये जांच का विषय है कि 5। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। पिया तो
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।